चुनाव जीत करके यहाँ से चले जाते हैं, 5 साल जनता की कोई पूछ नहीं करते। ये जो पार्टियां हैं ये केवल वोट तोड़ने के लिए ही आती हैं और वैसे कोई माहौल वाली बात इनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल में इतना काम करवाया है कि इससे पहले जितने नेता आए उन्होंने किसी ने नहीं करवाया। पर आम आदमी पार्टी है जो यहाँ राजस्थान में इतनी वो महत्व नहीं रखती है, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है, यहाँ तो अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। आरएलपी वगैरह, आरएलपी तो ये तो छोटी है, वो बोलते ना हवाई पार्टी है। आधी रात को भी जाते हैं तो गरीब की सुनता है, और बाजौर के दम सीकर जाएंगे ना जब सुनेगा बाजौर के। और इससे पहले रमेश खंडेलवाल दो बने थे, उनके ऑफिस के सामने पानी भरा हुआ था, 20 साल में पानी नहीं निकला उनसे, ये सुरेश मोदी ने पानी निकाला है। नॉट ओनली हमारे गांव में ही या हमारे आसपास में ही, मतलब नीम का थाना के क्षेत्र में जो काम किया ना वो काबिले तारीफ है। अजी जब खारा है यही मीठा हो जाएगा अगर हम मीठे रहेंगे तो धरती का निकास तो देखा है लेकिन विकास नहीं देखा मैंने अभी तक। राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। आज वो पहुंच गया नीमके थाना विधानसभा क्षेत्र के कोटड़ा ग्राम पंचायत में, जटे लोगों राजस्थान की राजनीति के तहत सारी बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम के नाम है जी? राम जी लाल बोरान। राम जी लाल जी, क्या लाग रही है अब की बार नीमके थाना में, की लहर लाग रही है अब की बार? हमारे जो स्थानीय विधायक सुरेश मोदी हैं तो उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व कार्य किया है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 35 करोड़ के लागत से एक जनाना हॉस्पिटल बनाया है, और साथ में जो कपिल मोदी हॉस्पिटल था उसमें सारी जो सुविधाएं हैं उत्तम श्रेणी की कराई हैं। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र के अंदर कृषि कॉलेज दिया है, पाटन क्षेत्र के अंदर भी कॉलेज दिया है, स्कूलों के अंदर कृषि संकाय खुलाया है, और नीम का थाना क्षेत्र के अंदर जो कॉलेज के सामने परमानेंट एक पानी भरने की बीमारी थी उसका ऐसा इलाज कराया कि कभी वो समस्या दोबारा सामने नहीं होगी। इसके अलावा हमारा जो गांव कोटड़ा है इसके अंदर इन्होंने पीएससी का निर्माण कराया है, और जो सड़क है ये नीम का थाना से लेके पीला जोड़ा जो पुरानाबास पंचायत को भी कवर करता है, इसमें नयाबास पंचायत भी कवर होती है, 12 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण करा रहे हैं, पेयजल की उत्तम व्यवस्था कराई है। इसलिए ये सभी ग्रामवासी मिलकर के सुरेश मोदी को अपना मत दे करके विजयी बना के विधानसभा में भेजना चाहते हैं। बीजेपी को क्या माहौल लाग रहे जाने को, बीजेपी प्रेम सिंह जी बाजौर पर विश्वास करे तो के कुछ माहौल? बीजेपी में प्रेम सिंह जी जो हैं चुनाव जीत करके यहाँ से चले जाते हैं, 5 साल जनता की कोई पूछ नहीं करते, वो मात्र अपने 5 साल के कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 10-15 दिन आते हैं, और अपने जो निजी आदमी हैं उनसे मिलकर के चले जाते हैं, और कोई विकास कार्य उन्होंने 10 साल एमएलए रहे कोई विकास कार्य नहीं कराया। जब बात करें आम आदमी आरएलपी जो ये पार्टियाँ ही आँखों के माहौल लड़े, ये जो पार्टियां हैं ये केवल वोट तोड़ने के लिए ही आती हैं और वैसे कोई माहौल वाली बात इनकी नहीं है। जैसे कि सवाल निकल के है कि भाई प्रेम सिंह जी बाजौर विधानसभा क्षेत्र में जीत के बाद मैं छोड़ के चला जाएं तो के कुछ कारण रही है कड़े चला जाएं कि कुछ जगह जाके बैठ जाएं? सब यो पता को ना पर ठीक होना रे वे क्यों कौन रहे वो तो बही जाने साहब। जै अब की बार बात करा थे युवा हो तो युवाओं का कुछ कोई मुद्दा ही जै रोजगार की बात करा या फिर कोई और चीज के बारे में? हाँ रोजगार ने लेर तो हमेशा ही मुद्दा रहे जी। मूल जी के अब की बार की को माहौल लाग रहे है अब की बार सुरेश जी मोदी का ही माहौल है साहब। के कुछ कारण ही सुरेश जी का कारण ये है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है जो काम पहले नहीं हुए थे 20 साल में वो काम करवाए हैं। काम करा दिया 1 करोड़ 43 लाख का तो पीएससी बन रहा है और वो बन ही नहीं रहा है, उसका टेंडर छूट गया, बजट पास हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू हो गया। हमारे एमबीबीएस डॉक्टर आ चुकी है, अभी उनको यहाँ इसमें प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, क्योंकि पिछला जो केंद्र है उप केंद्र वो छोटा है, और जो है डबल रोड का काम चालू हो गया है, और इधर ही देखो ये ऊंची टंकी है पानी के लिए, क्योंकि ये योजना चल रही है, 8,700 करोड़ रुपये मंजूर करवाए थे अपने कुमाराम लिफ्ट के पानी के लिए। एक बात है, लोकल आदमी हैं वो विधानसभा में बोलते हैं, पूरा समय देते हैं, जो भी आता है उसको सुनते हैं, चाहे वो दिन को आए चाहे रात को आए। जाकर साहब अब की बार जहाँ बात करना पा मोदी जी कतों के विकास कराए हैं, जहाँ जनता कमाए ने कोई काम बाकी रह रही विधानसभा क्षेत्र का आधारभूत विकास तो ये तो जैसे रोड है इनका, फिर कहीं कहीं कमजोरी है वहाँ से वो निकालेंगे, लिंक रोड बनानी है। वैसे उन्होंने काम बहुत किया है, मतलब नीम के चढ़ के चारों तरफ मतलब जो रिंग रोड की टाइप से मतलब वो बना दिए बाईपास, पीने के पानी की जो समस्या है उसको भी हल करेंगे, हमें उससे विश्वास है
कि ये आदमी कर सकता है काम के कुछ कांड रिया। तो पानी अभी तक पूछो को ना, क्योंकि पानी एक जरूरत की चीज है, डेली वेज की चीज है। देखिए ये यहाँ का इलाका जो है वो ड्राई जोन है, नीचे पानी बहुत कम है और बहुत गहराई पर जाता है तो नमकीन पानी आ रहा है, फ्लोराइड भी है उसमें, नमकीन सा भी है वो। और अब जो नहर का पानी की जो चल रही है प्रक्रिया, उसके बारे में वो बहुत प्रयास कर रहे हैं जो नेता ही, बाकी किसी की तैयारी लाग रही था, कौन सा नेता गांव गांव आ रहे हैं, थारसू मिल रहे हैं। देखो नेता तो कांग्रेस का भी आ रहा है, सुरेश जी मोदी जी भी, और दूसरी पार्टी भी आ रही है, पर सबसे ज़्यादा जो गांव में बहुमत है वो कांग्रेस को है, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल में इतना काम करवाया है कि इससे पहले जितने नेता आए उन्होंने किसी ने नहीं करवाया। आप बता रहे हैं कि प्रेम सिंह जी बाजौर, प्रेम सिंह जी बाजौर नीम का थाना क्षेत्र से 2 बार जीत के गए, दोनों बार में उन्होंने जीतने के बाद में कभी किसी के यहाँ कोई वो नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनको तो अपने काम से मतलब है कि अपना काम निकला फिर बाद में जनता कहीं भी जाए। सुरेश जी मोदी यहाँ लोकल है तो कभी भी हम जाएंगे घर पे मिलेंगे, उनको कुछ भी समस्या हम सुनाई देंगे तो वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जब बात करें अब की बार आम आदमी पार्टी महेंद्र जी मांडिया पर विश्वास करे तो वो कसो की मोदी साहब, वो तो इतना तो संपर्क में नहीं है, पर आम आदमी पार्टी है जो यहाँ राजस्थान में इतनी वो महत्व नहीं रखती है, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है, यहाँ तो अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। RLP वगैरह? RLP तो ये तो छोटी है, वो बोलते ना हवाई पार्टी है, इनका कोई महत्व नहीं है, हवाई पार्टी है, ये आती हैं और चले जाती हैं, इनको 2 या 4 सीट मिल गई वो अपनी क्या है कि बस वाह वाह कूट लेती हैं और अपना मतलब साधती हैं। थारे साहब के लाग रही है अबकी बार नीम का थाना में कौन बाजी मारे हो? इस बार नीम का थाना में सुरेश जी मोदी को बाजी मारना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। कताक के वोटों मार सके? कम से कम 20 या 25 हज़ार वोटों से मारेगा। टक्कर में कौन रहेगा नीम का थाना में? टक्कर में तो देखो हमारे तो आगे तो सुरेश मोदी है, और अगर सुरेश मोदी नहीं आएगा तो हमारा नीम का थाना जिला रहे तो जिला तक ही नाम रहेगा, वो आगे प्रवेश नहीं रहेगा। ये कुछ कारण नहीं सुरेश मोदी का आगे रहने का? तो आधी रात को भी जाते हैं तो गरीब की सुनता है, और बाजोर के दम सीकर जाएंगे ना जब सुनेगा, सीकर हमारे पास किराया नहीं जाने के लिए, नीम का थाना तो चला जाएंगे बाजोर के। और इससे पहले रमेश खंडेलवाल 2 बने थे, उनके ऑफिस के सामने पानी भरा हुआ था, 20 साल में पानी नहीं निकला उनसे, ये सुरेश मोदी ने पानी निकाला है। जब बात करें पा कोटड़ा की तो अब कोई समस्या नज़र आ रही गांव के माए कि भाई ऐसी समस्या ही बनी रह रही 5 साल हम काम को नहीं हो और आप रोन हो जाए? नहीं, समस्या तो हमारी मीटर की है, और आगे आगे 5 साल में कुछ समस्या आएंगी तो हम सुरेश मोदी मेटेगा हमारे को। ये तो अब की बार जहाँ थे बताएगी भाई कांग्रेस बाजी मार्च के तो कताक के सीट ले आओगी? है मान दो जी सरकार बनने के बजाय 110 में लाग रही है। तो बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है? बीजेपी कर रही होगी, हमारे को तो कांग्रेस की करना है, तो हमारे को तो जो हम जुड़े हैं हमेशा कट्टर कांग्रेस ही। हाँ कट्टर कांग्रेस ही नहीं है, हम उस काम के कांग्रेस ही हैं। जैसे कि आप बात करा नीम का थाना जिलो बना दियो गए तो इम कतिक के सुविधा थान लाग रही है भाई, जिलो बन गो नजदीक हो गो जिला हेडक्वार्टर, कतो के सुविधा थान लाग रही है? जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, और जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन जनता चाह रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब की बार जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमान सुरेश जी मोदी साहब, इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस काम के लिए अपना पूरा प्रयत्न किया। इस चीज़ को सर जनता पर कत्तों के पड़ सके के लाग रहे थे? वो जनता के ऊपर है, जनता उसको किस तरह से सोचती है, हर आदमी की सोच अलग है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो अपना मत बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है, जिस हिसाब से काम किया है मैंने तो मेरी लाइफ में वो मैंने पहले कभी नहीं देखा, नॉट ओनली हमारे गांव में ही या हमारे आसपास में ही, मतलब नीम का थाना के क्षेत्र में जो काम किया है ना वो काबिले तारीफ है। चमनलाल जी, जहाँ एक समस्या बन रही है नीम का थाना में पानी की, तो भी पानी पर अभी तक काम क्यों को नहीं हो पाए हो? और जहाँ कुछ लोगों बात करी तो वो कह रहे भी काम तो हो लेकिन पहुँच कौन पाए हो, तो ये देरी के पीछे क्या कारण दिया? नहीं पानी क्यों को नहीं पहुँच रहे? पानी पहुँच रहे, पानी के लिए कोई परेशान को नहीं साहब, गांव में पानी काफ़ी है, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ, यहाँ पे पानी की पहले सुविधा एडवांस चल रही है। और थाना क्षेत्र में बहुत भयंकर पानी की समस्या निकल गई है। अजीब बड़ी परियोजना चल रही है, उससे पहले तो इन्होंने कुछ इंतजाम भी कर दिया, इन्होंने ऐसे कोई बात नहीं इंतजाम नहीं है। ये पानी की टंकी बन रही है, यहाँ पे बोरिंग लगाई हुई है, जमीन में तो खारा पानी है। अजी जब खारा है यही मीठा हो जाएगा अगर हम मीठे रहेंगे तो। चीनी मिला दूंगा अजी, चीनी मिठास के अंदर प्रेम प्रेम की भावना होती है ना, तो कोई खारा भी मीठा हो जाता है। तो परियोजना क्या है पूछी? परियोजना देखो लंबी प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है साहब। कहीं पूछो क्या से देखो, लग जाएगी 150 साल तो लग जाएगी उसमें, पूछ तो जाएगी, पहुँच जाएगी 100% पहुँच जाएगी। सपोर्ट कर रहे हो? मैं कांग्रेस को करता हूँ साहब।
के कुछ कारण सपोर्ट करवाया? मैंने जो अब की बार विकास देखा है कि जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। कुमाऊं जी के लाग रहे अब की बार नीम का थाना राजनीति की तरफ जाती थी? कांग्रेस में तो कांग्रेस वाला सुविधा दी जना तो कुछ बात कर रहे होते ना ना सुविधा दो या मत दो मोबाइल बांटने जाने तो कुन करे हो ना मोबाइल मिलेगा नहीं मान बढ़िया 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 ही एकदम। तो बिजली बाजली का बिल बाल कुने देगी ना कुने रहा आ रहे हैं जिनके नाम 0.0 पर ही आ रही हाँ। तो कई जगह में रिपोर्टिंग करना पड़े तो 5,000 का बिल आता बताऊ मार्गन तो कुने जो भी सरकार आओगी तो ये सुविधा चालू रहेंगे। देखो साहब जितना तो आवेगी भाई चालू रहेगी शायद। छोटा सा गाँव है इसको ही देखते हुए आप आइडिया लगा लेना कि हमारे एक छोटे से गाँव को एक 32 फीट चौड़ी रोड दे दी है, एक पानी की ऊंची टंकी दे दी जिससे घर घर नल सप्लाई होगा, गवर्नमेंट स्कूल थी उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, दोनों है इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है, और दूसरा हॉस्पिटल जो जिसका काम अभी चल रहा है ऑलरेडी चालू हो गया है उसका काम। तो मेन जो है लोगों की समस्या क्या होती है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, रोड है, ये मेन चीज़ें हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ें इस गाँव को मिली हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे गाँव से तो लगभग पूरा समर्थन उसको मिलेगा।